हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट 100। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आर नेक्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो अभी इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था ये नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में कैसे नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, हमने ये सब पढ़ा। अब इसके बाद आपका ये थर्ड चैप्टर है एनसीईआरटी में, जो आपके सिलेबस में है, नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। As you have seen, modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation states. So they are telling in these lines, there's modern nationalism हमने देखा था यूरोप में, उसके लास्ट में जो रिजल्ट आया वही हुआ कि नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इट ऑल्सो मेंट अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड वॉट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसके साथ साथ लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो सोच थी कि वो कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी ओरिजिन क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, इसके साथ साथ हमने ये भी देखा। न्यू सिंबल्स एंड आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फोर्स न्यू लिंक्स एंड रिडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज़। तो नए जो सिंबल्स आए, न्यू आइकन्स आए, न्यू सॉन्ग्स जो आए और आइडियाज़ जो सोसाइटी में उस वक्त स्प्रेड हो रहे थे और नए लिंक्स वहाँ पर बन रहे थे लोगों के बीच में, सोशल अंडरस्टैंडिंग हो रही थी, और उससे क्या हुआ, बाउंड्रीज़ जो थी कम्युनिटीज़ की वो रिडिफाइन हो रही थी, लोग अब आपस में थोड़ा मिलजुल कर रहने लगे थे। इन मोस्ट कंट्रीज़ द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वॉज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो ये बता रहे हैं कि जो बहुत सी कंट्रीज़ में ऐसा था कि जो ये नई नेशनल आइडेंटिटी बनती जा रही थी वो एक लॉन्ग प्रोसेस के रूप में बन के आया। हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस एमर्ज इन इंडिया। तो बता रहे हैं कैसे कॉन्शियसनेस इंडिया में किस तरह से एमर्ज हुई, इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही हमारे नेशनलिज्म इन इंडिया। इन इंडिया एंड इज एज इन मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। तो इंडिया में और साथ में जो अदर कॉलोनीज थी जहाँ पर ग्रोथ हो रहा था मॉडर्न नेशनलिज्म का, वो सब एक दूसरे से इंटीमेटली कनेक्टेड थे, बहुत गहरे तरीके से वो कनेक्टेड थे एक दूसरे से, और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से भी। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट अभी हम देखेंगे आगे, पहले हम कॉलोनियलिज्म का मीनिंग भी समझ लेंगे। कॉलोनियलिज्म मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, अभी देख लेते हैं। कॉलोनियलिज्म से मतलब होता है आपके, अगर आपके कंट्री के ऊपर या आपके किसी स्टेट के ऊपर, एरिया के ऊपर कोई दूसरा बड़ी पावर, बड़ी गवर्नमेंट रूल कर रही है, तो वही कॉलोनियलिज्म के अंदर आता है। यहाँ पर क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश रूल था तो ये ब्रिटिश कॉलोनीज बोलते थे इंडिया को पहले। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन से। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर आइडेंटिटी इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। तो जो लोग थे वो अपनी यूनिटी को डिस्कवर कर रहे थे कि किस तरह से लोग एकजुट भी हो सकते हैं, किस और वो कहाँ पर ये सब डेवलप कर रहे थे, जो वो प्रोसेस कर रहे थे स्ट्रगल का, स्ट्रगल करके वो कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करके अपने देश को आज़ाद करने की जो कोशिश में लगे हुए थे, उससे उन्हें साथ रहने की और साथ लड़कर जीने की एक यूनिटी के साथ दिख रही थी, यूनिटी वाली फीलिंग आ रही थी उन लोगों में, तो ये काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए। उन्होंने अपने आसपास की जो यूनिटी थी उसको आइडेंटिफाई किया और फिर उसको कॉलोनियलिज्म के खिलाफ एकजुट होकर यूज़ किया। द सेंस ऑफ बींग ओप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। तो जो सेंस था ये कि क्योंकि जो कॉलोनियलिज्म थे वो सभी को ओप्रेस कर रहे थे, उनको सभी को दबाने का काम तो कर ही रहे थे वो, तो उससे क्या हुआ कि वो सभी लोग क्योंकि डिप्रेस क्लास में आ गए एक तरह से, तो उन सब में एक शेयर्ड बॉन्ड हो गया कि हम सब विक्टिम्स हैं, तो हम एक साथ लड़कर, हम एक साथ मिलकर ही उन सबको भगा सकते हैं। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। सो जो वहाँ पे सब अलग अलग ग्रुप्स थे, हर क्लास हर ग्रुप में इफेक्ट्स जो आए कॉलोनियलिज्म के वो अलग अलग देखने में आए, डिफरेंटली देखने में आए। देयर एक्सपीरियंसिस वर वेरीड, उनके एक्सपीरियंसिस भी वेरी करते थे, एंड देयर नोशंस ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। और जो उनका आइडिया था, नोशन था फ्रीडम का, वो सबके लिए सेम नहीं था। किसी के लिए फ्रीडम का मीनिंग कुछ और था, किसी के लिए अलग था, उनके अलग अलग मायने थे फ्रीडम्स के। द कांग्रेस एंड अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, बट द यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट। जो कांग्रेस थी, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के अंदर में थी और वो
ट्राई कर रही थी कि उन सब ग्रुप्स को एक साथ लाकर एक बड़ा मूवमेंट के रूप में ब्रिटिश के अगेंस्ट वो लड़े, लेकिन जो यूनिटी हुई इनके बीच सब में वो बिना कॉन्फ्लिक्ट के नहीं हो पाए, उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रीड अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया अप टू द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। तो पुरानी बुक्स में अभी तक हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ फर्स्ट डिकेड तक पढ़ा है 20th सेंचुरी की। फर्स्ट डिकेड से मतलब है 1910 तक या 1920 तक पढ़ा है बस। इन दिस चैप्टर वी विल पिक द स्टोरी फ्रॉम द 1920s। तो इस चैप्टर में 1920s से स्टोरी को पिक करेंगे एंड द स्टडी द नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। और हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। और हम एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट को डेवलप किया टाइम के साथ, किस तरह से हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया मूवमेंट में, और नेशनलिज्म कैसे लोगों के मन में बस गया और लोगों के इमेजिनेशन में नेशनलिज्म का आइडिया एक स्ट्रॉन्ग आइडिया बनता चला गया। एक पिक्चर है मास मूवमेंट की, इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन भी ये रहा, मास प्रोसेशंस ऑन द स्ट्रीट्स बिकेम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। वही बता रहे हैं कि जो मास इकट्ठा होकर एक साथ मार्च करता था स्ट्रीट्स पर, एक कॉमन फीचर हो गया था नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पर। सो अब हमारा नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट है वो ये है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। तो हमने नेशनलिज्म यूरोप चैप्टर में लास्ट में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ये पढ़ा था। उसके बाद अब हम ये देखने वाले हैं उसके बाद क्या क्या हुआ। ये मेनली इसमें इंडिया के बारे में ज़्यादा बताया जाएगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। सो इन द ईयर्स आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज, इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल। सो 1919 के बाद हमने देखा कि नेशनल जो मूवमेंट था वो स्प्रेड होता गया नए नए एरियाज़ में, नए लोग उससे जुड़ते गए, न्यू सोशल ग्रुप्स उनके साथ जुड़ते चले गए और डेवलप होता चला गया है, नए मोड्स ऑफ स्ट्रगल भी आने लगे, स्ट्रगल करने का उनका तरीका भी सबका एक नए रूप में आने लगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स, वॉट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव। तो हम किस तरह से इन डेवलपमेंट्स को समझते हैं और उनके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं, किस तरह से उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। तो वॉर से यहाँ पे मतलब है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो थी हुई थी उसने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन बना दी थी। इट लेड टू ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर विच वॉज फाइनेंस्ड बाई वॉर लोन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस। सो बता रहे हैं कि जो वॉर ने क्या हुआ, वॉर की वजह से डिफेंस में जो हम खर्चा लाते हैं डिफेंस का जो बजट होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया क्योंकि आर्मी को पैसा देना ज़रूरी हो गया था जिसको फाइनेंस किया जाता था वॉर लोन से और इंक्रीजिंग टैक्सेस से। तो लोन लिए गए, वॉर लोन्स लिए गए और टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया, जो लोगों पे हम टैक्सेस इम्पोज करते हैं, टैक्सेस में कस्टम ड्यूटीज़ वो बढ़ाई गई और इनकम टैक्स वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918 चल रहे थे उस टाइम पर, प्राइसेस बढ़ गए जनरली, सभी चीज़ों के प्राइसेस बढ़ते चले गए और 1913 से 1918 के बीच में डबल होते चले गए वो, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। इससे क्या हुआ, कॉमन पीपल को बहुत हार्ड सिचुएशंस को फेस करना पड़ा। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर। सो विलेजेस जो थी, गांव थे, उनको बुलाया गया, उनसे गाँव को फोर्स किया गया एक तरह से कि वो सोल्जर्स को सप्लाई करें, अपने लोगों को आर्मी में भेजें, और ज़बरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट में ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट किया गया रूरल एरियाज़ में, जिससे क्या हुआ, लोगों में गुस्सा फैल गया बहुत ज़्यादा, वाइड स्प्रेड एंगर हो गया हर जगह पर। देन इन 1918, 1919 एंड 1920-21 क्रॉप्स फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। सो 1918 से 1919 के बीच में और 1920 से 21 के बीच में क्रॉप्स जो थी, फसलें जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, फेल हो गई थी मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया में, रिजल्ट वो सब मौसम की वजह से होते हैं, रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेजेस फूड। उससे क्या हुआ, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई। दिस वाज एकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। इसी के साथ साथ उसी 1920 में इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आया था, इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है, सो बहुत ज़्यादा लोग इसके अंडर में भी मरे थे।
According to the census of 1921, 12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. So, जो 1921 में एक सेंसस जो होता है, हर 10 ईयर्स में जो सेंसस होता है, तो उसमें जो 1921 का सेंसस था उसके अकॉर्डिंग 12 से लेकर 13 मिलियन पीपल पेरिस्ट हो गए थे, उनको नुकसान हुआ था और उनकी डेथ हो गई थी फेमिन्स की वजह से और एपिडेमिक की वजह से, क्योंकि फूड शॉर्टेज भी थी, क्योंकि हमारी क्रॉप्स भी फेल्ड हो गई थी यहाँ, ये हमने देखा था। और मैं आप बता दूँ, 1 मिलियन मीन्स होता है 10 लाख। पीपल होप डेट देर हार्डशिप्स वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, बट दैट डिड नॉट हैपन। लोगों ने सोचा कि जब वॉर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद उनकी हार्डशिप्स भी ख़त्म हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। It did not happen. At this stage, a new leader appeared and suggested a new mode of struggle. तो इस स्टेज पे एक नया लीडर उभर के आया और उन्होंने एक सजेस्ट किया, एक नया तरीका स्ट्रगल करने का। उन लीडर जो इनकी बात कर रहे हैं वो बेसिकली महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। तो महात्मा गांधी इनिशियली साउथ अफ्रीका में थे, तो उसके बाद वो इंडिया रिटर्न हुए जनवरी में 1915 में। एज यू नो ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सो वही बता रहे हैं कि हम जानते हैं कि वो साउथ अफ्रीका में थे पहले। वी हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद अ नोवल मेथड ऑफ मास एजिटेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह। सो महात्मा गांधी ने एक नया मेथड बनाया था, उसको नोवल मेथड बोलते थे, जिसको सत्याग्रह बोला गया। उनका जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो जो था वो एम्फसाइज करता था द पावर ऑफ ट्रुथ पे, वो ट्रुथ की पावर पे बिलीव करता था, उस पर एम्फसाइज करता था, एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ, वो सच्चाई की राह पे चलना बताता था सत्याग्रह का आइडिया। सत्याग्रह वर्ड ही बना है सत्या प्लस ग्रह से, यानी वो जहाँ जहाँ सत्य का निवास होता हो, सत्य का घर, तो ये सत्याग्रह वर्ड का मीनिंग भी यहीं से है। सो ये जो आइडिया था सत्याग्रह का, वो यही एम्फसाइज करता था कि ट्रुथ की पावर पे बिलीव करना और नीड टू सर्च फॉर द ट्रुथ, और हमें सच को जानना है और उसको सर्च करना है, हमें पता लगाना है कि सच क्या है। ये अभी ये थोड़ा आइडिया के रूप में है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। इट सजेस्टेड डैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, then physical force was not necessary to fight the oppressor. So basically main जो point है यहाँ पर यही है कि यह idea suggest करता था कि अगर आपका cause true है, अगर आप किसी सही cause के लिए, सही reason के लिए लड़ रहे हैं, struggle कर रहे हैं injustice के ख़िलाफ़, अगर आप struggle कर रहे हैं तो आपको physical force की ज़रूरत नहीं है, physical force यानी लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं है, not ये और ना ही necessary है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको ओप्रेसर को फाइट करने के लिए। ओप्रेसर से मतलब है जो आपके अगेंस्ट में है, जिसके खिलाफ में आप अपनी जंग को या अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं, जिसके अगेंस्ट आप खड़े हैं। आप विदाउट सीकिंग वेनेजियंस और बीइंग अग्रेसिव, आप बिना वेनेजियंस के और बिना अग्रेसिव हुए एक सत्याग्राही, सत्याग्राही से मतलब है जो सत्याग्रह के आइडिया को फॉलो करता है उसको सत्याग्राही बोलते हैं। अ सत्याग्राही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, जो एक सत्याग्राही बंदा होगा, सत्याग्राही होगा जो सत्याग्रह के आइडिया पे चलेगा, वो बैटल को जीत सकता है बिना वायलेंस के भी, नॉन वायलेंस के जीत सकता है वो। वायलेंस होता है हिंसा और नॉन वायलेंस होता है अहिंसा। तो हमने सुना ही है कि महात्मा गांधी को अहिंसावादी भी बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते थे, वो अहिंसा में बिलीव करते थे। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कॉन्साइज ऑफ द ऑपरेशर। सो उनका यही आइडिया था कि आप कैसे जीतेंगे बैटल को, अगर आप उनसे फिजिकल फोर्स से नहीं लड़ेंगे तो कौन सा तरीका है, तो वो तरीका है आप उनकी जो कॉन्साइंस है, जो उनका अंतर्मन है, उससे आप उसको झकझोरें, उसको आप महसूस कराएं कि आप ऑपरेसर को महसूस कराएं कि वो गलत कर रहा है। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर्स हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। तो जो लोग हैं ऑपरेसर्स जो हैं, जो लोग ऑपरेसर्स हैं उनको परसुएड करें, उनको मजबूर कर दें ट्रूथ को देखने में, उसको एक्सेप्ट करने में, इंस्टीड ऑफ बींग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। ऐसा नहीं है कि आप उनको ज़बरदस्ती ट्रुथ को एक्सेप्ट कराएं, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप उनको ट्रुथ दिखाएं और वो खुद से अपनी वॉलंटरी एक्शन से खुद से उन्हें एक्सेप्ट करें उस ट्रुथ को थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। ऐसा नहीं है कि आप
पूरी लाइन का ही मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप फोर्स करके उनको वायलेंस के थ्रू ना एक्सेप्ट करवाएं, बल्कि उनके कॉन्साइंस को, उनके अंतर्मन को ये फील कराएं कि क्या सही है और क्या उन्हें करना चाहिए, तो वो खुद ही उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ। उनका मानना था कि स्ट्रगल के द्वारा, सत्याग्रह स्ट्रगल के द्वारा ट्रुथ को अल्टीमेटली ट्रियम्फ मिलेगी। ट्रियम्फ मतलब उनको जीत मिलेगी, ट्रुथ ही लास्ट में जीतेगा। सच्चाई का रास्ते पे चलने से सच्चाई वाला सत्याग्रही ही जीतेगा। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। तो महात्मा गांधी ये बिलीव करते थे, उन्हें भरोसा था कि जो धर्म है नॉन वायलेंस का, अहिंसा का जो धर्म है, ये सब इंडियंस को एक साथ यूनाइट कर सकता है और वो सब एक साथ आ सकते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। तो इंडिया आने के बाद महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया सत्याग्रह मूवमेंट्स अलग अलग प्लेसेस में, वेरियस प्लेसेस में इंडिया में। सबसे पहले है इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। 1917 में वो चंपारण गए बिहार में टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। 1917 में पीजेंट्स को, फार्मर्स को इंस्पायर किया कि आप स्ट्रगल करें जो ओप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम है उसके अगेंस्ट। देन इन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट्स ऑफ द खेदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद उन्होंने 1917 में ही, खेदा डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहाँ पर भी सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज किया वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, जो अफेक्टेड हो चुके थे क्रॉप फेलर की वजह से। वहाँ पर क्रॉप फेल हो चुकी थी और प्लेग एपिडेमिक भी आ चुका था, अभी हमने पहले भी देखा है इसमें। द पीजेंट्स ऑफ खेदा कुड नॉट पे द रिवेन्यू। तो वो रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे जो पीजेंट्स थे गुजरात के, खेदा डिस्ट्रिक्ट के, एंड वर डिमांडिंग दैट रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स। और वो डिमांड कर रहे थे अपने लैंड ओनर्स से कि वो रिवेन्यू कलेक्शन को थोड़ा रिलैक्स कर दें, कुछ समय बाद ले लें या थोड़ा कम कर दें, क्योंकि फेमिन की वजह से और क्लॉप फेलर की वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी 1918 में महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद। वो अहमदाबाद गए टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स कॉटन मिल वर्कर्स। सो 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद गए, उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया कॉटन मिल वर्कर्स के यहाँ पर। सो इमेनली तीन इंसिडेंट्स हैं जो आपको ज़रूर याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्ज़ाम्स में कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट्स, मतलब सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, वो आप लैंग्वेज के अकॉर्डिंग खुद ही समझ सकते हैं, इजी है बहुत। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है द रोलेक्ट एक्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, ज़रूर आपको याद रखना पड़ेगा। एम्बोल्डेंड विद दिस सक्सेस गांधी जी 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलेट एक्ट 1919। सो उन्होंने जब सक्सेस देखा कि सत्याग्रह सक्सेस होता चला गया उन तीन जो अभी ऊपर हमने इंसिडेंट देखे उनमें, तो गांधी जी ने 1919 में डिसाइड किया कि वो लॉन्च करेंगे एक पूरे नेशन में सत्याग्रह, जिसको पूरे नेशन में एक साथ लॉन्च किया गया, जिसका नाम वो अगेंस्ट था रोलेट एक्ट के अगेंस्ट को लॉन्च किया गया था। सो रोलेक्ट एक्ट है, नेक्स्ट लाइन्स में पढ़ते हैं रोलेक्ट एक्ट क्या है। दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। तो ये एक्ट जो है हरिडली पास हुआ था, यानी बहुत जल्दी में पास किया गया इसको थ्रू द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जिसने इसको बहुत ही हरी में पास किया, डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द यूनाइटेड इंडियन मेंबर्स। सो एक यूनाइटेड एकजुट अपोजिशन किया था इंडियन मेंबर्स ने इसका, कि इसको पास ना किया जाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इसको पास किया। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सो इस एक्ट में क्या था, वो क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर दे रहा था, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पावर दे रहा था कि वो रिप्रेस कर सके, दबा सके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। वो उनको अलाउ दे दिया गया कि वो डिटेंशन कर सकें पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ से प्रिजनर को जो हम कैद करते हैं, तो वही है पॉलिटिकल प्रिजनर्स, विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। सो बिना ट्रायल के 2 years तक, ट्रायल होता है जब जज के सामने पेशी होती है किसी की गिरफ्तारी के बाद। तो इंडिया में अब ये है कि 24 hours के अंदर हमें ट्रायल के लिए ले जाना होगा जज के पास किसी भी कैदी को जिसको हम पकड़ते हैं। सो इसमें क्या था, 2 years तक का इतना लंबा था कि ट्रायल के बिना आप 2 years तक रख सकते हैं। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट
सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद अ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। सो महात्मा गांधी चाहते थे कि नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया जाए। नॉन वायलेंट मतलब अहिंसा से भरा हुआ, जिसमें अहिंसा हो, कोई हिंसा ना हो, और सिविल डिसोबीडियंस यानी सिविल यानी कि सब लोग, और डिसोबीडियंस यानी वो डिसोबे करें अनजस्ट लॉज को, इस तरह के अनजस्ट लॉज को जो कि स्टार्ट होना था और 6 अप्रैल को विद हड़ताल, ये हड़ताल है। रैलीज वर ऑर्गेनाइज इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। जो रैलीज थी वो ऑर्गेनाइज की गई वेरियस सिटीज़ में, वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पर गए अलग अलग फैक्ट्रीज से, रेलवे वर्कशॉप से, जो रेलवे में काम करते थे वो सफ़र करके स्ट्राइक पर गए, शॉप्स को बंद कर दिया गया। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड डेडलाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिज्म। तो क्या हुआ, वो अलार्म हो गए जो ब्रिटिश लोग थे इस पॉपुलर अपसर्ज से, और वो डर गए कि जो कम्युनिकेशन की लाइन्स हैं यानी रेलवे लाइन्स हैं और टेलीग्राफ लाइन्स, ये सब बंद हो जाएंगी, ये सब डिसरप्ट हो जाएंगी। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि वो नेशनलिस्ट को सबको क्लैम्प डाउन करेंगे, यानी कि उनको गिरफ्तार करेंगे और इसको दबाएंगे, इस मूवमेंट को। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, लोकल लीडर्स जो थे उनको पिकअप किया गया अमृतसर से, और महात्मा गांधी वॉज बैल्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और महात्मा गांधी को एक तरह से बैन कर दिया कि वो दिल्ली अब नहीं आ सकते। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। 10 अप्रैल के दिन पुलिस ने अमृतसर में फायर किया, पीसफुल प्रोसेशन एक हो रहा था, लोग पीसफुली अपना प्रोसेशन कर रहे थे, सो उनके ऊपर अमृतसर में 10 अप्रैल के दिन फायर किया गया, उनको उनके ऊपर फायरिंग की गई, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। इससे क्या हुआ, लोग बहुत ज़्यादा प्रोवोक हो गए और उन्होंने वाइड स्प्रेड तरीके से अटैक करने लगे वो बैंक्स पर, पोस्ट ऑफिस पर, यानी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर, वो जो गवर्नमेंट की थी वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उन पर अटैक करने लगे, पोस्ट ऑफिस पर, बैंक्स पर, रेलवे स्टेशन पर। मार्शल लॉ इम्पोज हो गया एंड जनरल डायर टू कमांड। मार्शल लॉ होता है जहाँ पर मिलिट्री जो है उसके कंट्रोल में आ जाता सब कुछ, और जनरल डायर जो थे उनके कंट्रोल में सब आ गया, उन्होंने कमांड ले ली। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। और 13 अप्रैल के दिन आपने बहुत सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकेयर, वो हुआ। ऑन डेट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। तो उस दिन एक लार्ज क्राउड गैदर हुआ था जलियांवाला ग्राउंड में, जलियांवाला बाग का जो ग्राउंड था उसमें। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर्स। उनमें से कुछ लोग जो आए थे वो प्रोटेस्ट करने आए थे गवर्नमेंट के नए जो रिप्रेसिव मेजर्स थे उनके अगेंस्ट में, जो मेज़र्स उनको दबाने चाहते थे उनके अगेंस्ट में वो प्रोटेस्ट करने आए थे। कुछ लोग अटेंड करने आए थे एनुअल बैसाखी फेयर को, वहाँ उस दिन बैसाखी का त्यौहार था तो उसका जो मेला था उसको वो अटेंड करने आए थे। बींग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ डैट हैड बीन इम्पोज। तो क्योंकि लोग बाहर से भी आए थे, आउटसाइड द सिटी से आए थे, दूसरे शहर से आए थे, तो बहुत से विलेजर्स ऐसे थे उनको नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका था वहाँ पर। डायर एंटर्ड द एरिया, तो जनरल डायर जो है वो एरिया में, उस एरिया में एंटर हुए। ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट, तो उन्होंने एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर दिया। एंड ओपन फायर्ड ऑन द क्राउड, उन्होंने पूरे क्राउड पर ओपन फायर कर दिया अपनी गन्स से, और जो उनके पास आर्म्स एंड अम्यूनिशंस थे उनसे। किलिंग हंड्रेड्स, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मार दिया ऐसे ही। हिज ऑब्जेक्ट एज ही डिक्लेयर्ड लेटर वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्राहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ओ। सो उसने बाद में बताया था कि उसका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था, उसने बाद में डिक्लेयर किया कि वो एक मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहता था। मॉरल इफेक्ट यहाँ पे मतलब है वो लोगों के मन में एक डर और टेरर का आइडिया लाना चाहता था, सत्याग्रही इसको डर के रहना चाहिए, उनके ऊपर बहुत खतरा है, उन्हें डर कर ही हमारे सब ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा ब्रिटिश रूल को। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the street in many North Indian towns. तो जैसे Jallianwala Bagh की न्यूज़ स्प्रेड हुई, बहुत से क्राउड्स जो है स्ट्रीट्स पर आ गए, रोड्स पर आ गए नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। देर वर स्ट्राइक्स, क्लैश विद द पुलिस, वहाँ स्ट्राइक्स हुए, बहुत से
पुलिस के साथ लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, क्लैश हुए, अटैक्स ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर अटैक हुए। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से इसका रिस्पॉन्ड दिया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट एंड टेररइज पीपल, उन्होंने लोगों को ह्यूमिलिएट किया, उनको टेररइज किया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उनके साथ बहुत बुरी चीज़ें की। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेज ऑन द ग्राउंड, सत्याग्रहीज जो लोग थे उनको ज़बरदस्ती उनकी नाक को रगड़वाया गया ज़मीन पर। क्रॉल ऑन द स्ट्रीट, उनको स्ट्रीट्स पर रेंगने के लिए कहा गया, तो आप समझ सकते हैं कितनी बुरी कंडीशन होगी वहाँ पर। एंड डू सलाम, सलाम यानी उनको सल्यूट करने के लिए कहा गया सब साहिब्स को। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुजरनवाला इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वर बॉम्ब्ड, और एक विलेज थी गुजरनवाला पंजाब में जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी बॉम्ब से बॉम्बिंग करी गई, काफ़ी लोग मरे। सींग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, महात्मा गांधी ने देखा किस तरह से वहाँ वायलेंस हो रहा था, उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। वाइल द रोलेट सत्याग्रह हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट, इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू सिटीज एंड टाउन, तो हालांकि जो रोलेट सत्याग्रह था वो एक वाइड स्प्रेड मूवमेंट बन चुका था, लेकिन फिर भी ये सिर्फ कुछ ही सिटीज़ पर और टाउन्स में लिमिटेड था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया, तो महात्मा गांधी ने फेल्ट किया, उन्होंने महसूस किया कि अब उन्हें और ज़्यादा ब्रॉड मूवमेंट चाहिए जिसको लॉन्च करना चाहते हैं इंडिया में, जिसमें ज़्यादा एरिया कवर करेगा। बट ही वो सर्टेन डेट नो सच मूवमेंट कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर, बट उन्हें विश्वास था कि वो बिना हिंदूज और मुस्लिम को एक साथ लाए हुए इस तरह का कोई मूवमेंट नहीं कर सकते इंडिया में। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू, तो उन्होंने एक तरीका जो उन्हें सूझा वो यही था कि वो खिलाफत इशू को उठाएँ, उसका एक तरह से फ़ायदा उठाएँ और उसका यूज़ करके हिंदू और मुस्लिम को यूनाइट करें। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एंड था उसमें क्या हुआ था, जो ओटोमन था एम्पायर था टर्की का, वो एंड डिफीट हो गया था, हार चुका था। एंड देयर वर र्यूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज ऑन द ओटोमन एम्परर, और वहाँ पर र्यूमर्स फैल चुके थे कि एक बहुत ही हार्श यानी कड़ी पीस ट्रीटी जो है वो इम्पोज की जाएगी ओटोमन एम्परर पर। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खलीफा, जो खलीफा बोलते हैं उसको, जो स्पिरिचुअल हेड होता है इस्लामिक वर्ल्ड का, जो ऑटोमन एम्परर था। सो ये र्यूमर्स फैले हुए थे, ये सच नहीं था, र्यूमर्स थे कि उनके ऊपर हार्श ट्रीटी को इम्पोज किया जाएगा। टू डिफेंड द खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, तो जो खलीफा थे इनकी टेम्पोरल पावर्स को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में 1919 में मार्च में। सो अभी पढ़ते हैं क्या है, खिलाफत जो कमेटी थी जिसमें आज यंग जनरेशन ऑफ मुस्लिम लीडर्स लाइक द ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, तो एक यंग जनरेशन थी मुस्लिम लीडर्स की, उसमें एक ब्रदर्स भी थे दो, मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों भाई थे, ये मेन चेहरे थे खिलाफत कमेटी की, खिलाफत मूवमेंट के। बिगेन डिस्कसिंग विद महात्मा गांधी, तो इन्होंने महात्मा गांधी ने इनके साथ डिस्कस किया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू, तो उन्होंने डिस्कस किया कि क्यों ना हम एक साथ मिलकर इस इशू पे एक साथ मास एक्शन ले। गांधी जी सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट, तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा कि वो मुस्लिम्स और हिंदूज को एक साथ एक ही छत के नीचे, एक ही अम्ब्रेला के नीचे एक साथ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट में शामिल कर लेंगे। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस्ड अदर लीडर्स ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज, तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था कांग्रेस का 1920 में सितंबर में, वहाँ पर गांधी जी ने कन्विंस किया बाकी लीडर्स को कि हमें नीड है एक नए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने की जो खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करेगा और हमारे स्वराज के लिए यानी हमारे इंडिपेंडेंस के लिए भी सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो में इतना ही, ये आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, बच्चों की हेल्प होगी, 10th क्लास के बच्चों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई है ज़रूर लाइक करके हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वेल थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग।